हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये वाला व्लॉग है मेरा लास्ट वीक का। अभी शावर लेकर के आई हूँ मैं और क्विकली आ गई हूँ किचन में। लंच बनाऊँगी आज आपके साथ, एक बहुत ही अच्छी सी हेल्दी सी वेज थाली शेयर करने वाली हूँ। डेली रूटीन के मेरे सारे काम हो चुके हैं इस टाइम तक और टाइम हो रहा है 12:30 के अराउंड। किचन भी मैंने क्लीन करके रख दिया था, तभी मैं नहाने गई थी। और आज की जो रेसिपी होगी उसका मेन इंग्रेडिएंट है ये, इसको कहते हैं वाटर क्रेस यानी कि जलकुंभी। ये एक बहुत ही पुरानी लीफी वेजिटेबल है जो कि स्प्रिंग वाटर्स में मिलती है, जो मीठे पानी की नदियाँ होती हैं, झील होती है ना, उनके किनारे किनारे ये बहुत ज़्यादा लगती है। पहले तो लोग इसे बहुत खाते थे, आई डोंट नो कितने लोग अभी भी जानते हैं इसका नाम, और बहुत सारी फैमिलीज कम्युनिटीज़ में तो अभी भी खाते हैं। हमारे यहाँ एक भैया हैं जो इसे लेकर के आते हैं और वो सिर्फ यही बेचते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं लेके आते। बट मैंने ये ख़रीदी नहीं है, मुझे मेरी नेबर में एक भाभी हैं जिनसे मैंने आपको मिलवाया था अपने एक लास्ट व्लॉग में, उन्हीं के यहाँ से ये आई है। तो मेरे पास ये एक बहुत बड़ा सा बंच है इसका, और ये देखिए ये कुछ इस तरीके की दिखती है, छोटी छोटी इसकी पत्तियाँ होती हैं। बनने में, खाने में, टेस्ट वाइज ये बिल्कुल जैसे बाकी हरी सब्जियां होती हैं ऐसी ही होती है, बनती भी ऐसे ही है। कुछ कुछ डिफरेंट स्टाइल होता है, तो वो क्या होगा मैं भी आपको बताऊंगी। तो ये इस तरीके की सब्जी होती है, जब इसको कट करते हैं ना तो इसमें हल्की हल्की कुछ सौंफ की स्मेल आती है, बट यस इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं बताऊंगी इसको कैसे बनाना है। और यहाँ पे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और ये जो इसकी हार्ड वाली स्टेम्स है ना, मैं इनको हटा लूँगी, इनको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ, और जितने भी ये सॉफ्ट वाले स्टेम्स हैं इनको मैं रख लूँगी और इन्हीं को अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करने वाली हूँ। तो आज की जो थाली है उसकी कुछ रेसिपीज़ मैं वाटर क्रेस से बनाने वाली हूँ, तो वो क्या क्या रहेंगी आप ज़रूर देखिएगा व्लॉग को आखिर तक। फिलहाल मैं यहाँ पे पूरे के पूरे बंच को अच्छे से साफ कर लूँगी, हार्ड वाली स्टेम्स को हटा करके सॉफ्ट वाली स्टेम्स को मैं रख लूँगी। पहले से तो लोग काफ़ी खाते थे ये वाली सब्जी, अभी भी खाते हैं, लेकिन अब बहुत लिमिट हो गई है। अब ज़्यादातर लोग पालक, मेथी, इसी तरीके की चीज़ें खाते हैं, राई खा लिया या फिर सरसों वगैरह, इन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन ये जो सब्जियां हैं इनको लोग भूल से गए हैं, अब बहुत सारी अब लोग नहीं खाते हैं, कम फैमिलीज़ और कम्यूनिटीज़ में ही ये चीज़ें अब लोगों को पता होती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा बंच अपना साफ़ करके रख लिया है, सिर्फ जो सॉफ्ट वाली पार्ट है उसी को रखा है। तो धो भी दिया है मैंने अच्छे से इसको, और उससे पहले मैंने एक स्टेप किया है, यहाँ पे बहुत सारे पोटैटोज़ मैं ये बॉईल कर रही हूँ, कुछ मुझे इस सब्ज़ी में चाहिए होंगे, इसमें मैं कच्चे आलू यूज़ नहीं करूँगी, और कुछ मैं रख लूँगी मुझे नेक्स्ट डे चाहिए होंगे, बेटे को टिफ़िन में भी दूँगी, तो पहले से मील प्रेप मैं करती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। यहाँ पर मैं ये सारा का सारा बंच जो है काट लूंगी। तो मोटा मोटा ही काटना है इसको, बहुत बारीक नहीं काटना है। हरी सब्जियां वैसे भी जैसे हीट के कांटेक्ट में आती हैं रिड्यूस होने लग जाती हैं, तो अगर बहुत बारीक कट जाएगा ये तो कढ़ाई में वैसे ही दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से काट लूँगी। और दूसरी चीज़ कि मैं इसमें कच्चे आलू नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि हरी सब्जी का अपना जो कुकिंग टाइम होता है वो बहुत कम होता है, हाई फ्लेम पर हम इसको ज़्यादा पका नहीं सकते। तो ज़्यादा ऐसी कुछ कच्ची सब्जियाँ डालेंगे तो वो कुक होने में टाइम लेंगी, या तो आप आलू पहले से गला लें उसके बाद इसे डालें। मैं यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोज़ यूज़ करने वाली हूँ, तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप उस वाले तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा जितना भी मैं सब्जी में यूज़ करने वाली हूँ बंच, वो मैंने काट के रेडी कर लिया है। वेज थाली का सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होता है दाल, दाल के बिना कोई भी थाली कंप्लीट होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्विकली एक दाल भी बना रही हूँ जो है तूर दाल और मलका की दाल, अरहर दाल जिसको बोलते हैं, अरहर और मलका की दाल। तो प्रेशर कुकर लिया है मैंने, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल करके हींग जीरे का तड़का लगाया है इसमें, और थोड़े से अनियन और गार्लिक डाल दिए हैं, आधा कटा हुआ टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ, उसके बाद हल्का सा मसाला मैं बना रही हूँ। यूँ तो दाल मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी शेयर करी है कैसे बनानी है, बहुत सिंपल सी बनाती हूँ, रूटीन के मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर,
थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। तो ये थोड़ा सा मसाला बन करके रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ यहाँ पे। दाल में अगर आप लोग गरम मसाला नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ये दाल को मैंने पहले से सोक करके रख लिया था एक दो घंटे पहले, और अब वॉश करके मैं इसको प्रेशर कुकर में शामिल कर दूँगी। सोक करने से दाल का कुकिंग टाइम कम हो जाता है, वो दो ही विसल में बन कर के रेडी हो जाती है। अगर सोक नहीं कर रहे हैं तो एक दो विसल एक्स्ट्रा लगानी पड़ती हैं। तो प्रेशर कुकर मैंने यहाँ पे अपना बंद करके रख दिया है, अब दो तीन विसल में ये तैयार हो जाएगी। उसके बाद चलिए बन चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है वाटर क्रेस की भाजी। मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, उसमें हींग और जीरे का तड़का लगा रही हूँ। आप यहाँ पे राई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डाली है 3-4 के अराउंड ड्राई रेड चिलीज। ये थोड़ा सा अच्छे से क्रैकल हो जाएंगी तो इसमें मैं बाकी के इन्ग्रीडियंट्स डालूंगी। कटा हुआ थोड़ा सा लहसुन मैं डाल रही हूँ इसमें। हरी सब्जी में लहसुन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई बारी कुछ लोगों को ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं गैसियस हो सकती हैं, तो अगर आप गार्लिक डालेंगे तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती हैं हरी सब्जियाँ, आयरन में काफ़ी होता है इसीलिए। कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ मैं इसमें, और यस मैं इसमें अनियन का तड़का नहीं लगा रही हूँ। ट्रेडिशनली ऑथेंटिकली इसमें प्याज का तड़का नहीं लगता है। यस आप टमाटर डाल सकते हैं, तो सिर्फ टमाटर ही मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो कुछ भी ना डालें इसके अंदर, ड्राई रेड चिली तक आप प्रोसेस फॉलो करें, उसके बाद आप सीधे अपने बाकी की चीज़ें इसमें डाल दें। टमाटर को भी आप स्किप कर सकते हैं। तो ये दो तीन बॉयल्ड पोटैटोज लिए थे मैंने, इनको क्यूब्स में काट करके और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हल्का सा सॉटे ही करना है मुझे इसको, क्योंकि पोटैटोज ऑलरेडी मेरे गले हुए हैं। ये वाली जो सब्जी है ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, गरम गरम खाई जाए तो बहुत ही यम्मी लगती है ये। थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और ये है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहते हैं तो नहीं डालें। ग्रीन चिली आप इसमें डाल सकते हैं काट करके, क्योंकि मैंने इसमें ड्राई रेड चिली डाली है तो मैं सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। मुझे ब्लैक पेपर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ में हो, चाहे पास्ता में हो, चाहे आलू की सब्जी में हो, ब्लैक पेपर बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने कटा हुआ जो हरी सब्जी का बंच था, धीरे धीरे करके मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी और चलाती भी जाऊंगी, अदरवाइज़ कढ़ाई से निकल कर के बाहर आने लग जाती है सब्जी। थोड़ा सा रिड्यूस हुई है ये, उसके बाद मैं इसमें बाकी की जो कटा हुआ बंच है मेरा सब्जी का, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। सॉल्ट डाल रही हूँ उससे पहले यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हरी सब्जी में आयरन काफ़ी होता है, कोई भी हरी सब्जी हो आयरन उसमें होता ही है। इसी वजह से वो उसमें थोड़ा सा कसैला सा, थोड़ा सा नमकीनपन होता है, तो आप नमक उसी हिसाब से डालें। मेरे हस्बैंड कभी कभी जब हरी सब्जी बनाते हैं ना तो उनसे थोड़ा सा नमक इसमें तेज़ हो जाता है, तो कायदे से ही डालें नमक। अच्छे से मिक्स कर दूंगी नमक के साथ इसको, और अब ढक कर के रख दूंगी कुछ देर के लिए, और इसको पकाना है मीडियम हाई फ्लेम पे। पानी काफ़ी रिलीज़ करती है ये, बट हम क्योंकि इसको बिल्कुल ड्राई बनाने वाले हैं तो बीच बीच में चलाते रहें और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसको पकाएं, जब तक आपकी हरी सब्जी ना गल जाए, क्योंकि पोटैटोज़ हमारे ऑलरेडी गले हुए हैं, उन्हें हमें गलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दिया है। इस पॉइंट पे ये सब्जी बिल्कुल रेडी है, अगर आप चाहें तो इसी पॉइंट पे सर्व करें इसको, लेकिन मैं अभी एक दो मिनट इसको खुला ही छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको ड्राई अभी और करना है, सारा का सारा पानी जितना भी है इसमें से सूख जाए। ये है इसका फाइनल आउटकम। अब ये सब्जी प्रॉपरली रेडी है सर्व करने के लिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सा वाटर क्रेस मिंट योगर्ट।
रायता भी बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन ये डिप इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी बनती है, आप इसको किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट इवन आपका डिनर या लंच प्लेट, आप इसको स्टार्टर्स के साथ यूज़ करें, कटलेट के साथ, अपने सैंडविचेस के साथ, अपने रैप्स के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं एज अ डिप। ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक कप योगर्ट लिया है, होममेड है ये, दही हल्का सा चम्मच से ही उसको मैंने फेंट लिया है, बहुत रिग्रेसली नहीं फेंटना है। उसके बाद ये एक चम्मच भर के मैंने इसमें ड्राई मिंट डाला है, ये मैं घर में ही ड्राई करके रखती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इसको यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये एक छोटा चम्मच मैंने वाटर क्रेस डाला है, ये बिल्कुल रॉ है, मैंने हल्का सा इसको कूट लिया था, वो अदरक कूटने वाला होता ना उसमें मैंने कूटा था इसको। उसके बाद मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया है, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल रही हूँ। वाटर क्रेस का जो टेस्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए बस मैं इतना ही डाल रही हूँ, और लास्ट में डालूँगी मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर। दैट्स इट, यही इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे और उसी के साथ ये बहुत सुपर यमी बनती है, सुपर टेस्टी बनती है। आप समर में इसको ज़रूर ट्राई करें, इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो इसके अंदर चाट मसाला डाल लें, रॉक सॉल्ट की जगह ब्लैक सॉल्ट डाल लें, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन ऐड इट, बहुत यमी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो बस इतने ही इन्ग्रीडियंट्स से हमारा जो ये रायता है या डिप है हमारी बहुत टेस्टी सी, ये तैयार हो जाती है। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन चिली, आप चाहे तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मैं बस इसी के साथ इसको गार्निश करके इसको सर्व करूँगी। फाइनल आउटकम है ये, हमारा वाटर क्रेस्ट और मिंट योगर्ट इज रेडी। उसके बाद है नेक्स्ट रेसिपी, जिसमें मैंने एक परात में लिए हैं 2 कप गेहूं का आटा, होल व्हीट फ्लावर, परात होती है ना आटा गूंदने वाली, उसमें 2 कप आटा लिया है गेहूं का, उसके अंदर मैंने डाला है ये हरा धनिया, और जितना हरा धनिया लिया है मैंने उतना ही मैं इसमें वाटर क्रेस्ट डाल रही हूँ। जो लोग नमक खाना पसंद करते हैं रोटियों में, पूरियों में, पराठों में, वो यहाँ पे नमक भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप हल्दी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें गरम मसाला या रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट आप इसमें डाल सकते हैं। इसको मसाला रोटी भी बना सकते हैं, मसाला पूरी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया की जगह आप कसूरी मेथी और वाटर क्रेस को यूज़ कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए टेस्ट को। तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया और वाटर क्रेस लिया है, अच्छे से नीड करना है इसको, सॉफ्ट सा डो बनाना है इसका, और मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ इसके पराठे। नॉर्मल जैसे रोटियों का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, सिर्फ पराठों का हमें आटा लगाना है यहाँ पे। और बहुत जल्दी ये देखिए हमारा भी बिल्कुल रेडी है, आप इसकी पूरियां बनाएं, पराठे बनाएं, रोटी बनाएं, सभी चीज बहुत अच्छी लगती है। और देखिए यहाँ पे मैंने पराठे भी अपने सेक लिए थे, किसी भी तरीके का पराठा आप इसमें बना सकते हैं, आपको ट्रायंगल पराठा पसंद है, आपको लेयर वाले पराठे पसंद है, पैकेट पराठा पसंद है, स्क्वायर पराठा पसंद है, कोई भी पराठा आप बना सकते हैं इसका, पूरियां भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, घी लगा करके खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। और देखिए ये है हमारी आज की सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी, हेल्दी सी लंच की प्लेट, जिसमें है अरहर और मलका की दाल, वाटर क्रेस पोटैटो भाजी, वाटर क्रेस मिंट योगर्ट, वाटर क्रेस के पराठे विद वाइट राइस और थोड़ी सी सैलेड, बहुत ही टेस्टी, सुपर यमी, डिलीशियस लंच प्लेट, मस्ट ट्राई। समर्स में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। मार्केट में आपको ये सब्जी मिले तो आप ज़रूर लाइए, बनाइए और खाइए, और रेसिपीज़ मेरे साथ शेयर करिए। तो ये है हमारी आज की प्लेट, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।